हाय प्रिया, मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। याद है ना, आज मम्मी का बर्थडे है। लव यू। चले चलो। मम्मी पापा, दे ऑलवेज देयर फॉर यू। हैप्पी बर्थडे मामा। हैप्पी बर्थडे नानी। थैंक यू मेरे बच्चे। पापा, मेरे प्रॉब्लम सॉल्वर। आपको प्रॉब्लम, मेरे को प्रॉब्लम। लास्ट भी तो मैंने आपको दिया था ना। लेकिन मैडम किससे बात कर रहा है? एक बार तो पापा ने मुझे बर्ड फीडर बनाना सिखाया, वो भी फेसबुक पे। मम्मी मेरी इमोशनल एंकर, कुछ भी हो हमेशा तैयार मेरी प्रॉब्लम सुनने। या हाय माँ, क्या हुआ? पेट खराब है। ऐसा कर, पानी में अजवाइन डाल के उबाल। ठीक है, ट्राई कर लूंगी। मुझे रघु को इतना कुछ नहीं कहना चाहिए था। बेटा प्लीज, ये छोटी छोटी बातें हैं। कभी उसने कुछ कहा, कभी तुमने कुछ कह दिया। आप उसकी मम्मा हो या मेरी मम्मा, पता ही नहीं चला कितना टाइम हो गया मम्मी पापा से मिले। लगता था पास ही है। Thanks to technology, I guess. नहीं माँ, मैं नहीं आ सकती दिवाली पे। You know ना, मेरा काम बहुत है यहाँ पे। And also, घर पे पार्टी है इस साल। पिछले साल भी नहीं आई थी। कितने साल हो गए? तो अगले साल आ जाऊंगी ना। पिछले साल भी तूने यही कहा था। I know माँ, but you... अच्छा listen, मेरा एक कॉल आ रहा है। I'll talk to you later. पिया, फिर एक दिन दिवाली से कुछ दिन पहले मन किया कि तारा के लिए मम्मी वाले लड्डू बनाओ। तो रेसिपी के लिए मम्मी को वीडियो कॉल किया हमारे यूजुअल टाइम पे। शी वाज ऑफलाइन। पापा को ट्राई किया, नो आंसर। हाय सोनिया आंटी, पिया हियर। हाय पिया, कैसी है बेटा? हाँ मैं ठीक हूँ। वो मम्मी पापा फोन नहीं उठा रहे थे, तो आई वाज वंडरिंग, यू नो, उनसे बात नहीं हो पा रही मेरी। नहीं नहीं बेटा, सब ठीक है। मैं उनसे अभी आधे घंटे पहले ही मिली थी। ठीक ठीक है सब। नेक्स्ट डे सेम स्टोरी। What the hell? सोच लिया था लड्डू तो मैं बना के रहूंगी, मम्मी के बिना ही सही। हम दिवाली पे घर जा रहे हैं। और पार्टी? बाहर में गई पार्टी। Thank you.
सोनिया आंटी को मिली तो पता चला। जब मैंने कहा कि नहीं आ सकती दिवाली पे, तो मॉम डैड ने भी सोच लिया कि इनफ इज इनफ। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर देम, मेरा फोन नहीं उठाना, मैसेजेस का जवाब नहीं देना। पर ये भी जानना था उन्हें कि क्या सिर्फ उनको ही याद आती है मेरी। ताला भी नहीं खुलता ना। फोन क्यों नहीं उठा? लड्डू तुझे फोन पे थोड़ी ना खिला सकते हैं। इट्स ट्रू, जिंदगी कहीं भी ले जाए, प्यार वापस ले ही आता है।